सम्मान में हमें ये आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं श्री गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं वो आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं क्या करे जगवीर प्रधान जी आदली से स्वागत गीत पर खुश होकर के आशीर्वाद के रूप में एक से एक रुपए दे रहे हैं बार बार धन्यवाद करता हूं और साथियों अगर मेरी बात भाई जी एक मिनट के लिए रोक लो एक मिनट के लिए रोक लो और मेरी बात अच्छी लगे साथियों तो मैं चाहूंगा कि गजेंद्र चौधरी जी को और मेरी टीम को तालियों से आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए किस प्रकार से विधायक जी को श्री गजेंद्र विधायक जी को मैं क्षेत्र की जागीर लिखूं क्यों लिखूं श्री गजेंद्र जी को मैं क्षेत्र की जागीर लिखूं लेकिन क्यों लिखूं इसको जरूर पूछना सच पूछो तो कृषक और मजदूरों की तकदीर लिखो सच पूछो तो कृषक और मजदूरों की तकदीर लिखो मेरी बात अच्छी लगे तो ये तो निर्धनी और मजलूमों का ये तो निर्धनी और मजलूमों का दुख दर्द मिटाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं लियाकत अली जी कलोली से प्रधान जी 500 रुपए आशीर्वाद के रूप में इस स्वागत गीत पर दे रहे हैं बार बार धन्यवाद और निवेदन करना चाहूंगा साथियों वैसे मेरे बड़े भाई हैं चुनाव में बहुत भागदौड़ है और थके भी जरूर हो रहे होंगे लेकिन फिर भी एक बार निवेदन करूंगा 1100 रुपए देकर के विधायक जी भी मेरी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा साथियों यहाँ कोताही है अपने बड़े भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे एक मिनट के लिए खड़े और जोरदार ताली साथियों स्वागत इसलिए खड़ा कर रहा हूं साथियों कि असली बात बिल्कुल मुंह पे कह देनी चाहिए आज इस जन सैलाब ने यहां उमड़ करके ये साबित कर दिया अब मैं जो बात कहने के लिए जा रहा हूं ये बिल्कुल सच बात है मेरा दिल भी मान गया क्यों अकि इस जन सैलाब ने जीत तो सुनिश्चित कर दी निवेदन करना चाहूंगा 11 तारीख को डिक्टेशन के रूप में बदल दो इस जीत को और क्यों बदल दो इस कली में कैसे बता दिया भाई इनके जैसा जन सेवक कोई इनके जैसा जन सेवक कोई दिन और रात नहीं देखा इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा खाली हाथ नहीं देखा नौजवानों के दिल में ये तो नौजवानों के दिल में ये तो जोश जगाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं गजेंद्र जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं इधर कोई पैसे दे रहा गुरुजी ले लो ना अगर पैसे कोई और देता सतीश भाटी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी
ये जो तुम्हारी तरफ से 500 का नोट आया इसलिए दिक्कत आई, इसमें 1 रुपए की कमी रहेगी, क्योंकि भाटियों का मुझ पर बड़ा एहसान है, और भाटियों का जो एहसान है इसे समझ जाइयो कि मैं बोडा की भाटियों में भी आया हूँ। तुम 500 रख लो चाहे, लेकिन 1 रुपए को मत भूलो। ये सतीश भाटी जी 1000 रुपए इस स्वागत गीत पर दे रहे, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। आइए क्या बता रही, और साथियों एक निवेदन और करना चाहूंगा, जैसे मनोज प्रधान जी ने किया था, अगर आप वास्तविकता अपने विधायक गजेंद्र चौधरी जी की हैट्रिक में आहुति देने के लिए आए हैं और छच्चे मन से बिल्कुल 11 तारीख को वोट करने का मन बना लिया, तो मनोज प्रधान जी की तरह मैं भी विधायक जी से इस मंच के माध्यम से एक वादा कर दूं, और एक निवेदन और कर रहा हूं वादा करवाने से पहले, अगर विधायक जी जीत करके आए तो विधायक जी की तरफ से नहीं, मनोज प्रधान की तरफ से नहीं, जिस कलाकार को आज बुलंदशहर के प्रशासन ने रोक लिया, इन सारे कलाकारों के साथ उस कलाकार को लेकर के निःशुल्क सेवा के रूप में एक दिन आप उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। आइए कैसे बताए, तो दिवा दूं आश्वासन दे दूं आपकी तरफ से, तो आइए कैसे बता दिया अभी तक, विधायक जी इस बात को बिल्कुल सुनने की जरूरत है सभी श्रोताओं को, क्योंकि आश्वासन दे रहा हूं, और कहीं झूठा आश्वासन चलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, भाई लाखों लोग बोल उठेंगे, लाखों लोग बोल उठेंगे, एक तुम्हारे नारे पे वोट तो वोट, वोट तो वोट, प्राण भी देंगे थारे एक सारे पे, जगाए बैठे हैं गंगा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, गंगा जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। और साथियों एक निवेदन और करना चाहूंगा, अगर आदरणीय विधायक जी और ये सारा जनसैलाब और मंचासीन नेतागढ़ ये मानते हैं, क्योंकि हम भी चुनाव में रोज भागे फिरे हैं, कि जिस प्रकार की महफिल आज यहां जमी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस प्रकार का जनसैलाब किसी मंच पर और किसी मीटिंग में हमको दिखाई नहीं दिया, और इस जनसैलाब को जोड़ने के लिए मनोज प्रधान जी ने तो सहयोग दिया, लेकिन मैं इस बात को सोचने में बिल्कुल इंकार नहीं कर सकता समझने से कि गजेंद्र का लाड और चाव और प्यार और विकास भी आप सब लोगों को यहाँ खींच करके लाया, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मनोज प्रधान जी जिन्होंने इतना हौसला दिखाया, अगर उनके बारे में कोई बात नहीं की तो कोताही मानी जाएगी, एक बार मनोज प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से। छेले छबीला है जो थाने, जो थाने उसे कर दिखलाए, हटका बड़ा हथीला है, जो थाने वो कर दिखलाए, हटका बड़ा हथीला है। और साथियों वीर सिंह सरपंच जी, अगर वास्तविकता हमारी टीम आपको अब तक रोकने में सहयोग और प्रोग्राम दिखा रही है और अच्छा लग रहा है, एक बार टीम के लिए भी जोरदार ताली हो जाए आपकी तरफ से। भाई बिशन सिंह भी इसमें फिल्म में, बिशन सिंह भी इसमें फिल्म में, रंग जमाए बैठे हैं, श्री गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, गजेंद्र जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे
आर के तिवारी जी जो 1100 रुपए हमारी टीम को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा आदरणीय विधायक जी के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनकी शरण में रहते हैं, कई बार इनकी स्पीच मीडिया से भी सुनते हैं, सभा में भी सुनते हैं। अभी एक मीटिंग में 8-10 दिन पहले गजेंद्र चौधरी जी की सभा में हम आए तो वहां इनकी स्पीच सुनी और स्पीच में बड़े जोर से एक बात बताई साथियों आदरणीय विधायक जी ने, अगले वर्षों बाद तमन्ना से उतरा हूं गहरे पानी में, क्षेत्र की प्यास बुझा के रहेंगे, जो सिर झुके तो नहीं पर दबाए गए थे उनके सिरों को फिर से उठा के रहेंगे, अंधेरे में रहकर उजाले भूल गए हैं जो उनके घरों में चिराग जला के रहेंगे। एक बार जोरदार आशीर्वाद के लिए ताली हो जाएगी विधायक जी के लिए। और जैसा मैंने वादा किया था ये स्वागत गीत हमारी तरफ से भी होना जरूरी था, और विधायक जी को बहुत मीटिंग करनी है, गांव में नाश्ता पानी भी करनी है, विधायक जी के बाद आप होपलेस ना हो, जो वादा किया था कि आनंद दे करके जाएंगे, मजा दे करके जाएंगे, और यहाँ नहीं आए तो चाहे बुलंदशहर से ला के देना पड़े लेकिन दे करके जाएंगे, आप निश्चित निराश ना होकर के जाए। आइए कैसे बता दी 1100 रुपए आजाद प्रधान जी साकड़ी से हमारी टीम को दे रहे बार बार धन्यवाद, और हमारे राज कैसेट के निर्माता बड़े भाई भोली शाह जी जो आज इस कार्यक्रम को यहाँ शूट करने के लिए आए हैं, और 3-4 रोज के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ये आज आपका कार्यक्रम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, वो भी 1100 रुपए हमारी टीम को दे रहे, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। जिन साथियों ने हौसला बजाई किया टीम का उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं हृदय से। और आइए मनोज प्रधान जी, इसके बाद में जैसे ही विधायक जी जाएंगे फिर काम शुरू कर देंगे। आइए